नमस्ते दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग हैं या फिर सभी लोग का एक सपना होता है कि वो मिडल स्पिन को कर पाए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कर पाते हैं। इसके पीछे की वजह है कि आपके पास राइट गाइडेंस नहीं है। यानी कि अगर आप लोग इस आसन को करना चाहते हो और अगर आप लोग के पास राइट गाइडेंस नहीं है तो दोस्तों ये आसन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सभी टेक्निक्स बताऊंगा जो कि आप एनाटॉमिकली यानी कि अगर उन टेक्निक्स का अभ्यास करते हो तो आपको किसी प्रकार की इंजरी नहीं होगी। तो ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जो ऑनलाइन योगा स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैंने आज तक सिखाया है, उन सभी को आप देख पा रहे होंगे कि जो उनकी स्ट्रेचिंग है वो काफी हद तक अच्छी हुई है और जो गैप उनको पहले ज्यादा लगता था आज वो कम हो पाया है। तो ये दोस्तों इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे आप भी अपनी मिडल स्पीड का अभ्यास कर सकते हो। अगर आपकी एज 30+, 40+ और 50+ है तब भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे कुछ स्टूडेंट्स को देखें जो काफी दिनों से अभ्यास कर रहे थे लेकिन अपनी एज की वजह से नहीं कर पा रहे थे और प्लस उनके पास राइट गाइडेंस नहीं थी। जब उन्होंने मुझे ज्वाइन किया तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से उनको रिजल्ट मिला है कुछ महीनों के अंदर। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके का रिजल्ट पाना तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और रिंग करिए बेल आइकन को ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो और काफी सारे आसनास जो कि आपको सीखने हैं वो आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो दोस्तों मैं हूं शिवम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूं जीवन योगा शुरू के एक और बेहतरीन वीडियो में। सो दोस्तों आज के वीडियो में जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा वो काफी आसानी से आप कर सकते हो। मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं मिडल स्पीड के ऊपर, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप चेक कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिगनर्स होते हैं जिनकी बॉडी काफी स्टिफ होती है और वो चाहते हैं कि आप सभी लोग चाहते हैं कि आप वो सभी टेक्निक्स कर पाओ जो उनको करने में काफी आसान हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आप ट्राई करोगे, यानी कि अगर आप बिगनर हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है तो आप भी ये टेक्निक्स ट्राई कर सकते हो। सो दोस्तों नंबर वन टेक्निक में आपने करना क्या है, इस तरीके से स्क्वाट की पोजीशन लेनी है लेकिन जो आपके पैर है वो इस तरीके से ज्यादा फैले होंगे। आपने जो डिस्टेंस लेना है वो कितना लेना है, 1, 2, 3 और 4। अब आपने करना क्या है, अपने दोनों हाथों को नी पे इस तरीके से रखना है और सामने देखना है। लंबे गहरी सांस लेंगे और अपने हिप जॉइंट जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इसका जो पूरा प्रेशर है वो आपके ग्लूटस मैक्सिमस, मिनिमस और मीडियस पे रहेगा और आपके पेल्विस यानी कि हिप बोन पे भी रहने वाला है। तो दोनों नी को आपने इस तरीके से आपने स्ट्रेच करना है और बैक साइड के लिए पुश करना है और सामने देखते हुए इस तरीके से मेरी तरह आप होल्ड करो। सो यहाँ पर आप कम से कम 10 से 15 सेकंड रोककर इसके 2-3 सेट लगा सकते हैं। जब आप पहली बार करोगे यानी कि पहले दिन से अभ्यास कर रहे हो तो आप 2-3 बार करें और ये सभी टेक्निक्स जो अभी आप आगे देखने वाले हो उनका अभ्यास आपने प्रतिदिन करने, हफ्ते में 1-2 बार अगर आप चाहें तो रेस्ट भी कर सकते। सो दोस्तों अब जो टेक्निक आप करोगे उसके लिए आपने अपनी एक चेयर लेना है, इस तरीके से आप देख पा रहे होगे। फिर आप इस तरीके से खड़े होने के बाद आपने अपना राइट लेग ऊपर लाना है, इस तरीके से चेयर के ऊपर आपने फ्रंट रखना होगा। अब जो आपकी हील है वो आप नीचे रखे और जो आपकी टो है ये ऊपर रहने वाली है। जो नीचे वाला पैर है आपका उसको आप देखो इस तरीके से स्टेबल होगा, साइड में टो को टर्न किया। सो दोस्तों इस तरीके से फिर नीचे अपने दोनों हाथों को रखोगे और अपने बटेक को साइड में इस तरीके से आपने ले जाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मुझे, काफी लोग गलती आप में से कर सकते हैं कि वो अपनी नी स्ट्रेट कर देंगे लेकिन ऐसा नहीं करना है आपने। आपने बस नी को बेंड करके रखना है, बटेक को बस थोड़ा ड्रॉप करोगे डाउनवर्ड और स्ट्रेच करोगे। तो दोस्तों इसको आपने दोनों साइड से करना है, पहले एक तरफ से करेंगे फिर इसको दूसरी तरफ से करेंगे। इससे क्या होता है आपका ग्लूटस मैक्सिमस मसल स्ट्रेच होता है। सो दोस्तों जो भी आपने अभी टेक्निक देखी वो सारी टेक्निक्स क्या करती हैं, आपके हिप्स को स्ट्रेच करती हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक और टेक्निक बताऊंगा जो आपके ग्लूटस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस, टेंसर फैसे लाटे मसल, यानी कि एक टेक्निक से आप इतनी सारी मसल स्ट्रेच कर सकते हो जो कि आपके मिडल स्पीड को करने में हेल्प करेगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। सो दोस्तों अब आपने क्या करना है, अपना लेफ्ट लेग ऊपर उठाया, इसको आपने इस तरीके से एज पे हैंडल के साइड में रख दिया। अब जो आपका नी है इसको आपने करना क्या, दूसरे हैंडल के आउटसाइड में रखना है। काफी लोग इसको उठा के रखेंगे तो ऐसे नहीं रखना, क्योंकि मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनमें से काफी लोग स्टार्टिंग में गलती करते हैं। क्या करना है, अपने नी को टच करके रखना है, अपना एक पांव जो आपका पीछे वाला होगा उसको आपने बैक साइड ले जाना है थोड़ा सा, फिर आपका जो बटेक है उसको स्ट्रेच करना है, ये वाला जो पार्ट है। इस टेक्निक को आप दोनों साइड से करना ताकि आपको प्रॉपर स्ट्रेच आए। लेकिन आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपको काफी हेल्प होगी अपनी ओपनिंग में हिप्स की। जिनको नी पेन है वो अवॉइड करें और जिनको हिप बोन में पेन रहता है तो वो भी इसे अवॉइड करें, फिर धीरे से आप वापस आ जाएंगे। तो ये टेक्निक भी क्या करती है, आपकी काफी अच्छे से स्ट्रेचिंग करती है। अब आप में से काफी सारे लोग हैं जिनको स्ट्रेचिंग करते समय पेन होता होगा, यानी कि स्ट्रेचिंग करने के बाद,
तो आप लोग जरूर ऑयल मसाज करिएगा ताकि आपकी जो स्मूथनेस है हिप की, हिप बोन की, या फिर आपकी जो मसल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गई हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए कुछ समय आपने देना है, तो वो समय आप अपने लिए एक दो दिन का यानी कि ब्रेक लेके भी दे सकते हैं और साथ में अच्छे से मसाज भी अपने हिप बोन या लेग्स की कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब जो टेक्निक आप करोगे इससे होगा क्या, आपका जो इलेक्स और श्वास मेजर मसल है यानी कि जो आपके हिप बोन है उसको काफी अच्छे से और स्ट्रेच करेंगे। हिप फ्लेक्सर मसल्स बेसिकली ग्रुप है मसल्स का, उनको स्ट्रेच करना है। तो आप अपना एक चेयर आगे इस तरीके से रखोगे जिसमें हैंडल भी होने चाहिए तो थोड़ा इजी रहता है आपको ग्रिप करने में। अब आपने अपना राइट लेग ऊपर इस तरीके से आप ले जाओगे और अपना एक पाउंड जो टो होगा वो आपने अंदर इस तरीके से रखना है और हील को भी प्रॉपर टच करोगे। फिर लंबी गहरी सांस लिया आपने, जो आपका नी है नीचे वाला उसको आप पीछे बैक साइड में ले जाओगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अपने ऊपर वाला पैर है उसको नी को अपने थोड़ा सा बेंड कर देना है, तब आपको काफी अच्छा स्ट्रेच आएगा आपके हिप फ्लेक्सर मसल में। फिर दोनों हाथों को इस तरीके से आपने हैंडल में होल्ड किया, अब नीचे के लिए इस तरीके से आप ले जाओगे अपने आप को डाउनवर्ड। तो देखिए इस तरीके से आपने ओपनिंग करनी है अपनी हिप फ्लेक्सर मसल। तो आप थोड़ा थोड़ा आराम से करें, पहली बार करेंगे तो काफी प्रेशर आएगा, बट धीरे धीरे डेली डेली प्रैक्टिस करने के बाद आपको आराम से प्रेशर कम हो जाएगा आना। इस तरीके से धीरे से आप वापस आकर आपने रिलैक्स कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। काफी लोग क्या करते हैं, टेक्निक को फॉलो करते हैं फिर उसके बाद रिलैक्स नहीं करते। तो रिलैक्सिंग के लिए आप इस तरीके से अपने पाँव को घुमाओगे, रोटेट करोगे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस पैर से आपने किया है उस पैर को ज्यादा अच्छे से रिलैक्स करना, फिर इसको इस तरीके से उल्टा के लिए घुमाना। सो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आपकी जो स्ट्रेचिंग है यानी कि जो मसल्स काफी स्टिफ है टाइट है उनको ओपन करने का एक और मौका मिलता है आपको इस टेक्निक के थ्रू, जिससे आप अपने जो गैप है उसको जल्दी कम कर सकते हो। तो दोस्तों कैसे इस टेक्निक को फॉलो करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। सो आपने करना क्या है, इस तरीके से आप वॉल के सामने बैठ जाएंगे और अपना एक हील इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करना है, फिर दूसरे पैर का भी हील इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करना है, फिर दोनों हाथ आपने बैक साइड ले जाना है और अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन पे ले आएंगे। फिर लंबी गहरी सांस लेकर दोनों हाथ बैक साइड रखना है और फिर अपने बटेक को लिफ्ट करते हुए आगे ले जाना है। अपने बटेक को लिफ्ट किया, इनहेल करते हुए सांस को, फिर बाहर एक्सहेल करते हुए आप आगे के आएंगे। तो इस तरीके से आप अपने जो गैप को रिड्यूस कर रहे हैं और आपको काफी सारा प्रेशर आएगा आपके हैमस्ट्रिंग्स पे और आपकी क्वाड्रिसेप मसल्स पे और हिप फ्लेक्सर इलेक्स ये सभी मसल्स इससे स्ट्रेच हो रही है। तो आप लोग आराम से करना और जितना हो सकते हैं आपसे उतना ही करना, ज़्यादा आपने फोर्स नहीं लगाना है, ये आपकी स्टैटिक एक्सरसाइज है। और जब आपकी ओपनिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी फिर आप लास्ट में इस तरीके से आप अपने वॉल को पकड़ने लग जाओगे तो आपकी 180 डिग्री स्प्लिट हो चुकी होगी। सो दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अभी बहुत मेहनत करनी होगी, रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा और डेली प्रैक्टिस करने के बाद आप इतने मिडल स्प्लिट यानी कि भुनमन आसन। भुनमन आसन में क्या होता है, आप मिडल स्प्लिट करते हैं, भुनमन आसन को करने के लिए आपने इस तरीके से पैरों को फैलाना है और फिर चेस्ट को टच करना है, दोनों हाथों से अपने अंगूठे पकड़ने और सामने देखें। सो दोस्तों ये भुनमन आसन होता है, इसमें बस केवल आपने अपनी अर्थ को यानी कि भूमि को नमन करना है तो इसका नाम भुनमन आसन होता है। तो लेकिन अगर आप लोग की हिप ओपनिंग प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेचिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग आसानी से नहीं कर पाओगे। तो आज की जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं वीडियो के माध्यम से उन सभी को आप फॉलो करेंगे, जब आप अपने अभ्यास को काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे तब जाके आपकी स्ट्रेचिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी और फिर जब आप अपने आसन का अभ्यास करेंगे तो आप कर पाएंगे। तो इसके लिए काफ़ी लंबा पेशेंस आपके पास होना चाहिए, सब्र होना चाहिए और साथ में स्थिरता होनी चाहिए कि आप रेगुलर नियमित रूप से अभ्यास करें। आज की ये सभी टेक्निक्स आपको जो लगने वाला समय है स्ट्रेचिंग खुलने में उसका जो समय वो कम कर देंगी और आप लोग बिना किसी परेशानी के यानी कि पेन के फ्री होकर ट्राई करोगे, जो कि आप लोग काफ़ी सारे लोग स्ट्रेचिंग ज़्यादा टाइटली हार्ड से करते हो और आपको पेन होता है, तो उससे आप एकदम बच पाओगे इन सभी टेक्निक को अपनाने के लिए। आप लोग मेरे स्टूडेंट्स को देख पा रहे होगे स्क्रीन पे जो काफ़ी दिनों से अभ्यास कर रहे थे लेकिन आज जब अगर वो कर पा रहे हैं तो उनका रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये आपका सपना होगा, आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो सपना देखते होंगे इस आसन को सीखने का, तो आप भी इस तरीके से इस आसन का अभ्यास करके इन सभी टेक्निक्स को फॉलो करिएगा और हो जाएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और रिंग करिए बेल आइकन को ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुँच पाए और डिफरेंट टाइप्स के आपके पास नोटिफिकेशन आ सकते हैं, हमारे अपडेट्स आ सकते हैं जब जो कि आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद और फेसबुक पेज पे भी फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां
और डीप में नॉलेज मिल पाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी प्रॉब्लम, अगर उन्हें भी सीखना हो ये आसना जो कि सबका सपना होता है, तो वो भी इस आसन को इस वीडियो के माध्यम से जानकर, यानी कि किस तरीके से इसे करना चाहिए, तो वो भी जान पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।